15 दिसंबर 2009 राजकोट का क्रिकेट मैदान। श्रीलंका के सामने था 414 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट। उस जमाने में जहां 300 रन ही बहुत हुआ करते थे, उस समय 400 रन बनाना या उसका पीछा करना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जितना ही मुश्किल था। लेकिन उस दिन कोई था जिसने इस पहाड़ पर चढ़ने की ठानी थी। वो खेला और ऐसा खेला कि टीम इंडिया और उसके फैंस का गला सूखा दिया। उसने हर बॉलर की धज्जियां उड़ा कर रख दी। जो भी उसके सामने पड़ा उसकी आंधी में उड़ गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वो सच है या फिर कोई सपना। देखते ही देखते वो श्रीलंका को जीत की दहलीज तक ले आया। लेकिन मंजिल से कुछ पहले ही भज्जी की एक गेंद उसका विकेट ले उड़ी। श्रीलंका ने ना सिर्फ उसका विकेट खोया बल्कि जीता हुआ मैच भी गंवा दिया। भले ही वो मैच 3 रनों से भारत जीत गया हो, लेकिन सबका दिल तो इसी खिलाड़ी ने जीता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के विस्फोटक श्रीलंकन प्लेयर तिलक रत्न दिलशान की। आज के इस एपिसोड में हम उनके करियर और जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर कैसे इतना विस्फोटक बल्लेबाज अपने करियर के शुरुआती 7 सालों में एक भी शतक नहीं लगा पाया, और वो कौन सा शॉट है जिसका इजाद इन्होंने किया है जिसे आज भी हम इन्हीं के नाम से जानते हैं, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी पत्नी ने छोड़कर उन्हीं की टीम के दूसरे खिलाड़ी का दामन थाम लिया था, और आखिर क्यों कोर्ट ने उन्हें अरेस्ट वारंट जारी किया था, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। दिलशान का जन्म 14 अक्टूबर 1976 को कालूतारा श्रीलंका में हुआ था। इनके पिताजी मुस्लिम जबकि माँ सिंघली थी। अपने स्कूली दिनों में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, लेकिन उनका परिवार कभी नहीं चाहता था कि वो क्रिकेट खेले। इसलिए दिलशान ने उस समय क्रिकेट को करियर के रूप में नहीं बल्कि महज एक खेल के रूप में लिया। दिलशान जब 16 साल के हुए तब उन्होंने इस्लाम छोड़ बौद्ध धर्म अपना लिया। इससे पहले उनका नाम तुवान मोहम्मद इस्लाम हुआ करता था। उनके बचपन के कोच बताते हैं कि उन्होंने और उनके भाइयों ने बचपन में ही बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन आधिकारिक रूप से अपना नाम और धर्म अपने माँ बाप के तलाक के बाद ही बदल पाए। एक मैच के दौरान उनके धर्म को लेकर विवाद उठा था। असल में एक बार जब श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच चल रहा था तो पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद दिलशान से कह बैठे कि अगर तुम गैर मुस्लिम हो और मुस्लिम धर्म अपना लेते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करते हो, तुम्हें सीधे जन्नत नसीब होगी। लेकिन शहजाद भूल गए कि उनकी ये बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। दिलशान एक ऐसे खिलाड़ी थे जो बैटिंग, बॉलिंग, यहाँ तक कि विकेट कीपिंग भी कर लिया करते थे। 90 के दशक के आखिर तक आते आते श्रीलंका टीम में एक ऑलराउंडर की कमी खल रही थी। श्रीलंका को जरूरत थी एक ऐसे खिलाड़ी की जो बैटिंग के साथ ही बॉलिंग भी कर सके, और दिलशान ये काम बखूबी कर लेते थे। उनकी विकेट कीपिंग उनके लिए बोनस साबित हुई। नतीजा ये हुआ कि 1999 में दिलशान श्रीलंकन टीम में सेलेक्ट कर लिए गए। उनके फैंस उनको भले ही विस्फोटक सलामी बल्लेबाज मानते हों, लेकिन अपने करियर में एक लंबे अरसे तक वे मिडिल ऑर्डर बैटर ही रहे। उनको बैटिंग के लिए नंबर 3 से लेकर नंबर 8 तक उतारा गया। दिलशान जैसा बल्लेबाज वो भी नंबर 8 पर, सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन ये सच है। वैसे ज्यादा मौकों पर दिलशान नंबर 6 पर उतरते रहे। इसमें कोई शक नहीं कि दिलशान में टैलेंट कूट कूट करके भरा था, लेकिन ये भी सच है कि 1999 से लेकर 2005 तक तिलक रत्न दिलशान अपने वनडे करियर में एक भी शतक नहीं लगा सके। हालांकि छठवें नंबर पर खेलते हुए शतक बनाना आसान काम नहीं है। इसके बावजूद भी वो अपने टैलेंट के हिसाब से रन नहीं बना पाए। उन्होंने 87 मैचों में 6 नंबर पर बैटिंग की और महज 28 के एवरेज से 2046 रन ही बना पाए। ये आंकड़े उनके टैलेंट के साथ मैच नहीं करते। दिलशान को अपने पहले वनडे सेंचुरी के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। साल 2006 में दिलशान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना पहला शतक जड़ा। उनका पहला शतक होने के अलावा भी ये शतक कई मायनों में उनके लिए बड़ा खास था। उस मैच में जहां दिलशान ने 117 रन बनाए थे तो सनत जयसूर्या ने 157 रन जड़े थे। इन दोनों के शतकों की बदौलत ही श्रीलंका ने उस समय का सबसे बड़ा 444 रनों का स्कोर बनाया था। तब लगा कि शायद अब एक नया दिलशान देखने को मिलेगा जो अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर पाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले 2 साल तक फिर उनका बल्ला उनसे रूठा रहा। उनका लगातार खराब प्रदर्शन उन्हें टीम से बाहर करने के लिए काफी था। साल 2008 में भारत के खिलाफ हुई घरेलू वनडे सीरीज में फ्लॉप रहने के बाद उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। 6 महीने तक टीम से बाहर रहने के बाद दिलशान को पाकिस्तान दौरे के लिए टीम में फिर से जगह मिली, और इस बार शायद उनकी किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। इस बार टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बैटिंग के लिए नंबर 6 के बजाय बतौर ओपनर भेजा, और यहीं से एक नए तिलक रत्न दिलशान का जन्म हुआ। उन्होंने पहले ही मैच में मैच 33 गेंदों में 42 रन कोर दिए। ये विश्व क्रिकेट में एक नए तूफान के आने के संकेत थे। दिलशान ने दूसरे वनडे में 76 तो तीसरे मैच में 137 रन ठोक डाले। इस साल उन्होंने 3 और शतक ठोके। उनसे ओपनिंग कराए जाने का टीम मैनेजमेंट का फैसला
फैसला दिलशान के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस फैसले ने न सिर्फ दिलशान की किस्मत बदली बल्कि पूरी दुनिया को एक नया क्रिकेट स्टार दे दिया जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा पैना, ज्यादा शातिर, ज्यादा विस्फोटक था। दिलशान 2.0 के रूप में उनका नया कलेवर देख दुनिया भर के गेंदबाज खौफ खाने लगे थे। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस, क्रिकेट के जानकार हैरान थे कि आखिर एक खिलाड़ी का खेल उसकी पोजीशन भर बदलने से इतना कैसे बदल सकता है। इधर दिलशान मैच दर मैच बेखौफ, बेधड़क, अविश्वसनीय पारियां खेलते रहे। साल 2009 में उन्होंने 55 से भी ज्यादा के एवरेज से 1000 रन चढ़ दिए। इसमें सबसे खास थी उनकी 160 रनों की वो पारी जिसका जिक्र हम वीडियो की शुरुआत में ही कर चुके हैं। फिर इसके बाद दिलशान नहीं रुके, ऐसा लग रहा था वो अपनी पिछली असफलताओं का बदला लेना चाहते हों। 2010 में भी उन्होंने 51 से भी ज्यादा के एवरेज से रन बनाए जिनमें 3 शतक शामिल हैं। फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। भले ही श्रीलंका इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के हाथों हार गया, लेकिन दिलशान ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 9 मैचों में 500 रन बनाए थे जिनमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। इतना ही नहीं, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन भी इन्होंने ही बनाए थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस दौरान ये खिलाड़ी अपने चरम पर था तो आप सरासर गलत हैं। इनका बेस्ट आना भी बाकी था। साल 2012 और 2013 इनके लिए बेहतरीन साल साबित हुए। इन दोनों सालों में इन्होंने 7 शतक सहित 1100 से भी अधिक रन ठोक डाले। साल 2015 के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भी उनका बल्ला चढ़ के बोला। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 4 शतक, 6 अर्धशतक सहित 1200 से भी ज्यादा रन बना डाले। सोचने वाली बात यह है कि जिस खिलाड़ी ने अपने करियर के शुरुआती 8 सालों में बमुश्किल 1 शतक लगाया था, उसी ने अपने ओपनर बनने के बाद 21 शतक ठोक डाले। शायद यही वजह रही कि इसके बाद वो अपने रिटायरमेंट तक टीम के लिए ओपन ही करते रहे। 1999 में ही उनका चयन टेस्ट टीम में भी हुआ था। अपने दूसरे ही मैच में उन्होंने 163 रन की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम कर लिया। उनकी इस पारी ने दुनिया को बता दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं, लेकिन इसके बाद शायद उनका बल्ला उनसे रूठ गया। वो छोटे छोटे योगदान तो देते रहे लेकिन उनका बल्ला दूसरे मैच की तरह रन नहीं खोल पाया। वो अपना फॉर्म खो चुके थे। नतीजन 2001 में उन्हें टेस्ट टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, हालांकि वो वनडे टीम का हिस्सा बने रहे। 2007 में सनत जयसूर्या के रिटायरमेंट के चलते श्रीलंका को टेस्ट टीम में एक रेगुलर ओपनर की जरूरत थी। तमाम प्रयोगों के बावजूद एक ढंग का ओपनर नहीं मिल पा रहा था। तब 2009 में दिलशान को टेस्ट टीम में भी बतौर ओपनर मौका मिला और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो टेस्ट में भी सफल रहे। उस साल दिलशान ने 11 मैचों में 6 शतक लगा डाले। वर्ल्ड कप 2011 के बाद जब कप्तान कुमार संगकारा ने कप्तानी छोड़ी तब टीम की कमान दिलशान को सौंप दी गई। हालांकि दिलशान ने वनडे से रिटायरमेंट के बाद ये खुलासा जरूर किया कि वो कभी भी कैप्टन नहीं बनना चाहते थे, लेकिन मैनेजमेंट ने उनसे 6 महीने के लिए कप्तानी संभालने के लिए कहा जब तक कि कोई दूसरा उपयुक्त खिलाड़ी ना मिल जाए। लेकिन उनके कप्तान बनते ही टीम की परफॉर्मेंस गिरती चली गई। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से लगातार हार के बाद क्रिकेट पंडित और फैंस उनकी कप्तानी क्षमता पर सवालिया निशान लगाने लगे। दिलशान ने भी 2012 में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ दी। क्रिकेट में एक ऐसा शॉट है जिसे दिलशान की खोज कहा जाता है। असल में ये स्कूप शॉट की तरह ही है, लेकिन इसे विकेट कीपर के सिर के ऊपर से खेला जाता है। इस शॉट में दिलशान को महारत हासिल थी। इस शॉट को दिल स्कूप के नाम से जाना जाता है। 2011 में ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका दौरे के दौरान T20 वर्ल्ड कप में दिलशान ने महज 57 गेंदों में शतक जड़ दिया। उन्होंने अपना शतक अपने ही शॉट दिल स्कूप से पूरा किया था। दिलशान ने 2013 में टेस्ट करियर से संन्यास ले लिया, हालांकि वनडे और T20 खेलते रहे। 2015 के वर्ल्ड कप में भी उनका बल्ला खूब बोला। उन्होंने इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बॉलर मिचेल जॉनसन के एक ही ओवर में लगातार 6 चौके जड़े। यही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 161 रनों की लाजवाब पारी भी खेली। 2016 में दिलशान ने वनडे क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। ये विश्व क्रिकेट के पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक बनाए। इनका व्यक्तिगत जीवन काफी विवादों में रहा। दिलशान की पत्नी का अफेयर उन्हीं के टीममेट उपल थरंगा से चला, जिसके बाद उनकी बीवी ने उन्हें तलाक दे दिया। बाद में उसने गुजारे भत्ते के लिए दिलशान पर केस भी ठोक दिया। बाद में दिलशान ने यह मामला हर महीने भत्ते की रकम तय कर सेटल कर लिया, लेकिन 2017 में यह केस दोबारा खोला जब दिलशान यह रकम चुका पाने में नाकाम रहे। 2017 में कोलंबो कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया। इसकी वजह थी कोर्ट से उनका गैर हाजिर रहना, हालांकि वो अगले ही दिन कोर्ट में हाजिर हो गए। दिलशान ने दूसरी शादी एक्ट्रेस मंजुला थिलिनी से की थी, जिसमें उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। दिलशान उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जो सफलता के क्षितिज पर चमकते तो हैं, लेकिन जरा देर से। एक खिलाड़ी ये सिखाता है कि हमें बस अपने टैलेंट पर भरोसा रखना है, मैदान में डटे रहना है और सफलता के लिए अपनी बारी आने का इंतजार करना है। नारा टीवी तिलक रत्न दिलशान के खेल को सलाम करता है। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।